कि प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स विथ यूपीएससी सीएससी। हेलो एवरीवन, आई एम अंजू कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम जानेंगे कि प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स विथ यूपीएससी सीएससी। हम यूपीएससी सीएससी के साथ साथ और दूसरे एग्जाम के भी हम तैयारी कर सकते हैं या नहीं, और अगर हम दूसरे एग्जाम के भी तैयारी कर सकते हैं तो यूपीएससी की तैयारी हमारे लिए कितना बेनिफिट है अदर एग्जाम के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ हम दूसरे एग्जाम के भी एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होगा। सबसे पहले आपको सिलेबस, अगर आप यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस या और भी अदर एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस और दूसरे एग्जाम के सिलेबस को मैच करना होगा। उसमें आपको ये देखना होगा कितना सिलेबस है, कौन कौन सा टॉपिक है जो दोनों में कॉमन है। अगर जो टॉपिक दोनों में कॉमन है तो आपके लिए बेनिफिट है, आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी भी दे सकते हैं और अदर एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है, किसी भी टॉपिक को बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ना होता है। उसमें आपसे जीके जीएस के साथ साथ आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ पूछा जाता है, करेंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपीएससी के साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑफकोर्स दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना है, कौन सा एग्ज़ाम निकालना है, उस पर आपको फोकस रहना चाहिए। माइंड डाइवर्ट करेंगे तो आप कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप सिलेबस को ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम को ध्यान में रखिए, आपको सिलेबस को ध्यान में रखना है, किस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि अगर सेम सिलेबस से, सेम टॉपिक से किस तरीके से अदर अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिया है आपको एज एग्जाम्पल के तौर पे कि आप जान सके कि सेम टॉपिक से अलग अलग एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। इसका स्टेटमेंट है, इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली, इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसमें ये सारे स्टेटमेंट के बाद है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबव आर करेक्ट। ऑप्शन है, ए है वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपीएससी सीएससी प्री 2019 में। किस टॉपिक से पूछा गया ये क्वेश्चन? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में 2019 में। इसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा क्वेश्चन, बाय विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। ऑप्शन है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट ऑफ 1833,
ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट ऑफ 1873। ये क्वेश्चन पूछा गया था UPROARO मेंस एग्जाम 2017। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक ही टॉपिक से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन होगा, देखिए ये क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है पीट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड स्टेट पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था। मेरा ये क्वेश्चन आपको बताने का मेन मकसद ये है कि अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेम टॉपिक है, सिलेबस सेम है, कॉमन सिलेबस है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट रहेगा ही सिलेबस, ऑफ कोर्स अलग एग्जाम है तो, लेकिन कुछ भी कॉमन सिलेबस है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि आप यहां देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, अगर आप चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसका अच्छा नॉलेज है आपके पास, डेप्थ में पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप डेप्थ में ही पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो वहां से आपका यूपीएससी का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यूपीएससी में पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके बारे में आप पढ़े, ये क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने चार्टर एक्ट 1813 के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो यूपीएससी में तो ऑफ कोर्स डेप्थ में ही पढ़ा होगा, तो यूपीएससी का तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। उसके साथ ही ये UPROARO मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया उत्तराखंड स्टेट पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? मेरे कहने का मेन मकसद ये है कि अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ ही दूसरे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिससे सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस से मैच कर रहा है, मतलब उस टॉपिक से मैच कर रहा है, तो आप दूसरे एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में कोई भी टॉपिक आपको डेप्थ में पढ़ाया जाता है और आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डेप्थ में नॉलेज है, तो उससे अगर इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहिए, बर्डन लेकर तैयारी मत कीजिए, बस आपकी तैयारी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इसके साथ ही आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, उसका सबसे पहले आप सिलेबस कवर करके जाइए, उसका क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, आपका भी रिजल्ट आएगा।